कैसे हो सारे के सारे मेरे खाने के चाहने वालों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हालत थोड़ी ख़राब चल रही है हाथ की, पर अब प्लास्टर पक्का हो गया है तो जल्दी कट जाएगा, ये भी टेंशन मत लो, जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। बाकी खाने पीने की बात करें तो आज हम खाने आए हैं पराठे भाई, एक और ब्रेकफास्ट ऑप्शन। अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे अर्ली ब्रंच कह लो या ब्रेकफास्ट ही कह लो, मैं तो ब्रेकफास्ट ही कहूँगा, हम खाने आए हैं कुछ यूनिक यूनिक पराठे। और भाई पराठे तो नॉर्थ इंडिया में और मैं तो कहूँगा शायद पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, साउथ में उसे परोठा कहा जाता है और यहाँ पे पराठे। तो चलिए कुछ यूनिक पराठे टेस्ट करते हैं और बता दो तू कहाँ आए हैं। हम आए हैं गौरी कैफ़े में, गौरी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे लंच वगैरह सब मिलता है, डिनर भी मिलता है, पूरी शाम तक चलता है। तो आइए अंदर चल के बात करेंगे और फिर ट्राई करेंगे कुछ यूनिक पराठे। तो जैसा कि हमने बताया हम आए हैं गौरी कैफ़े पे, तो हमारे साथ यहाँ के ओनर हैं। सिंपल सोबर खाना है हमारा, पराठे हमारे बहुत पसंद करते हैं लोग, आलू का, पनीर का, प्याज का और बाकी हमारी तवे की रोटी है। तो मतलब सिंपल घर जैसा, हमारे यहाँ जो फीलिंग आती है लोगों की वही है कि जैसे हम घर में खा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, तो घर का खाना बाहर मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बैचलर्स के लिए और जनों के लिए। और अच्छा अंकल आप ये बताएं कि कितने टाइम से कितने टाइम तक रहती है ओपन शॉप? हमारा ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात को 10 बजे तक आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया भाई, और 13 घंटे आपको सर्व कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ हमने अपनी करी हुई है, आप मेन्यू देखें मेरा, हमने इसमें अपने खाने के 3 साइज बनाए हुए हैं, क्वार्टर, हाफ और फुल। हाँ रेट भी बहुत मार्जिनेबल है, देखिए 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 में ये सब्जी मिल रही है आपको। तो हर बैचलर के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, दोपहर का लंच, शाम का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट। और मैं तो कहूँगा ब्रेकफास्ट तो सबसे बेहतरीन है इनका, पराठों का जैसे अंकल बता रहे हैं, आलू पनीर प्याज मिक्स पराठा। हाँ जी, और ये जोमेटो स्विगी का भी है? हाँ हमारा स्विगी और जोमेटो दोनों पर अवेलेबल है। तो दोनों पर अवेलेबल है? हाँ स्विगी और जोमेटो दोनों से आप उससे भी हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। तो अब चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं यहाँ से और फिर आपको मेकिंग दिखाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे। तो चलिए ये अब हमारा पनीर के पराठे की फिलिंग बन रही है, तो भैया पनीर घिस रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, भैया मसाले डाल रहे हैं, अब नमक डाला, ये नमक डाला, ये गरम मसाले है। बढ़िया, तो ये गरम मसाले में अलग अलग मसाले का मिक्सर है? नहीं इसमें सब मसाले मिक्स है। हाँ वही सारे मसालों का मिक्सर है? हाँ सारे मसालों का मिक्स कर रखे हैं जी। ये है मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर आ गया। अगर कोई तेज खाना चाह रहा है तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। नहीं 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 बस ज़्यादा तेज मत खिलाना, इतना ही ठीक है। भैया ने रोटी बेल ली है, भैया ये प्योर आटा है? ये प्योर आटे में रोटी बेल ली है, साथ में भैया ने पनीर की फिलिंग, पूरा पूरी फिलिंग आएगी पराठे में? हाँ बहुत ही बढ़िया लोडेड फिलिंग आ गई है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। अब ये भैया इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, वो करेंगे रैप, ये भैया फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, ये फोल्ड हो गई है, ऊपर से एक्स्ट्रा आटा हटा लेंगे। ये भैया बढ़िया तरीके से बेल रहे हैं इसको, देख सकते हैं आप लोग बढ़िया। और फिलिंग की अमाउंट देखते हैं आप, कितनी सारी फिलिंग डाली थी भैया ने, अब इसे सेकेंगे भैया। ये तवे पे आ गया है पराठा और अब इसे सेकेंगे भैया और सर्व करेंगे रायते और अचार के साथ। हमारा पनीर का पराठा सिक रहा है, देख सकते हैं आप लोग कैसे फूल रहा है, जो फुलावट आ रही है वो आटा डाला था ना वो उसकी वजह से फूल रहा है। ये भैया ने अब पलट दिया है, एकदम करारा कर दोगे भैया? है बिल्कुल करारा कर देंगे, पराठा एकदम करारा ही होना चाहिए, देख सकते हैं आप लोग। ये अब हमारा पनीर का पराठा सिक के आ चुका है, इसे कट कर रहे हैं भैया दो में और दो से चार में। भाई घर के 2.5 पराठे के बराबर होगा ये, इतना हैवी पराठा है। और ये लगा दिया है प्लेट में, साथ में बूंदी का रायता है, अचार भी आएगा? अचार भी आएगा। ये अब हमारा अगला पराठा लग रहा है आलू प्याज का, भैया ने इसमें पेड़ा निकाला पहले आटे से और अब उसे बेल रहे हैं और इसमें फिलिंग भरेंगे आलू और प्याज की। ये भैया अब आलू प्याज की फिलिंग करें, भैया इस फिलिंग में क्या क्या है? आलू है, प्याज है। हाँ और मसाले? मसाले। तो इसे भूनते हो फिलिंग को? जी। ये हल्का सा आटा डाला जिससे कि ज्यादा चिपक जाए अच्छे से। और ये आप पेड़ा रोल कर लिया और एक मैं देख रहा हूँ फिलिंग का अमाउंट, देखिए कितना ज्यादा है, फिलिंग तो भर भर के डालते हैं। ये भैया फैला रहे हैं हमारा आलू का पराठा,
और सेम साइज का बनेगा जैसे पनीर का बना है। अब इसे बढ़िया तरीके से तवे पे डाल देंगे। ये डाल दिया है, अब ये सिकेगा। अब हमारा आलू का पराठा भी सिक रहा है बढ़िया तरीके से, गोल्डन ब्राउन कर देंगे एकदम, जिसे करारा कहते हैं हम। और फिर ये उसी प्लेट में चला जाएगा, फिर टेस्टिंग करेंगे हम। तो चलिए, ये अब हमारी मिस्सी रोटी लगने जा रही है। तो भैया इसका आटा कैसा बनाते हो? चने का आटा रहता है। हाँ, सादा आटा और मसाले रहते हैं। मसाले रहते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो ये अब मिस्सी रोटी बना रहे हैं हमारी, एकदम करारा कर देंगे मिस्सी रोटी को भी। पहले बेलेंगे अब इसको आटा लगा के, ये देखिए। और तवे पे सेकते हो इसे? भी गैस पे सेकेंगे पहले, तो ये कि गैस पे सेकेंगे। ओके, तो हमारी मिस्सी रोटी सेकने जा रही है, देख सकते हैं गैस पे सेक रहे हैं भैया बढ़िया तरीके से। और जैसे घर पे फुलका होता है ना, बिल्कुल वैसे सीख रहे हैं, जैसे अंकल जी बता भी रहे थे कि घर की फील आएगी, तो बिल्कुल वैसा ही सेक रहे हैं। और इसमें कोई अलग से रंग वगैरह कुछ नहीं, कुछ लोग रंग डाल देते हैं पीला बैठने के लिए मिस्सी रोटी को। इस पे अब भैया ने घी लगा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। देसी घी लगा रहे हो भैया? हाँ जी, देसी घी है। और ये दूसरी रोटी भी आ गई हमारी साथ में, अब इसको भी घी लगेगा। देखिए कितनी फूली हुई रोटी है, साथ में हमने कढ़ाई पनीर भी लगवाया है क्वार्टर टेस्ट करने के लिए। रोटी आ चुकी है हमारी प्लेट में, तो चलिए हम टेस्टिंग पे। तो यहाँ हमारे साथ एक हैप्पी कस्टमर है, तो भैया आपका नाम? मेरा नाम रोहित। रोहित, तो भैया आपने अभी क्या ट्राई किया? मैंने आलू का पराठा खाया। आलू का पराठा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना। तो आप आते रहते हो या पहली बार आए हो? नहीं, हम तो रेगुलर ही आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हो? नहीं, रेगुलर आ रहे हो। रेगुलर आ रहे हो, तो कैसा लगता है आपका टेस्ट? बहुत अच्छा है, शहर में चाहे जिस तरह का आलू पराठा नहीं बनता जिस तरह यहाँ पे बनता है। अच्छा, तो आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स देना चाहोगे? मैं आउट ऑफ 5 10 भी दे सकता था, पर 5 ही दे दूंगा, क्योंकि 5 में से 5 मिल सकते हैं। ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, थैंक यू। स्वागत है एक और वीडियो की टेस्टिंग में। जैसे कि मैं आप सभी को कह रहा हूँ, आज हम आए हैं गौरी कैफे रेस्टोरेंट, और ये स्पेशली अब फेमस है अपने पराठों के लिए। तो हमने एक पनीर पराठा लिया है और एक लिया है आलू प्याज पराठा। साथ में अंकल ने बताया कि वो खाना भी बहुत अच्छा सर्व करते हैं, तो हमने एक लंच का भी आइटम लगवा लिया इनका। क्वार्टर कढ़ाई पनीर सफिशेंट फॉर 1 पीपल और 2 मिस्सी रोटी लगवाई हैं। तो आइए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ट्राई करने वाले हैं इनकी सबसे पहले मिस्सी रोटी, साथ में इनका कढ़ाई पनीर। और देखिए कढ़ाई पनीर, इसमें कोई कलर वगैरह कुछ ऐड नहीं है, और ये देखिए बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, जैसे अंकल बता भी रहे थे। बाकी अब टेस्ट करके बताते हैं। साथ में हमने लिया एक सिरका प्याज। तो ये हमारी मिस्सी रोटी, तो हमने लेफ्ट हैंड से ही इसे बाइट लेंगे। चीयर्स, ट्राई करते हैं। जो मिस्सी रोटी है ना, कई जगह पे कैडी हो जाती है थोड़ी सी देर में भी रखने पे, यहाँ पे नहीं हुई। अब हाथ में पनीर, बहुत ही टेस्टी पनीर बना है। ग्रेवी जो है स्पाइसी है, कढ़ाई पनीर की जैसे होनी चाहिए। मैं एक पनीर ये बाहर निकाल के कट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई राइट हैंड थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। अब पनीर के साथ टेस्ट करूँगा। पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, साथ ही साथ अब ये पनीर सॉफ्ट है तो मुझे उम्मीद हो गई है कि इसके प्याज के पराठों का पनीर भी बहुत ही सॉफ्ट होगा। बस लास्ट बाइट इतनी अच्छी है यार, मैं आधी रोटी खा गया छोटी छोटी बाइट्स में ही। चेयर एक और बार आप सभी के साथ। और मैं तो कहूँगा बहुत ही घर जैसी फील वाला खाना है, तो जल्दी से जल्दी आए और ट्राई कीजिए इस चीज़ को तो ज़रूर। अभी पराठे भी ट्राई नहीं किया है, मैं स्पेशली पराठों के लिए आया था लेकिन पराठे ट्राई नहीं किया, और इसे ट्राई करके ये कह रहा हूँ, तो समझ सकते हैं आप कितना टेस्टी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आइटम पे। भाई अब हमारे पास, मैं तो जंबो पराठे खाऊंगा इन्हें। देखिए तो 4 स्लाइसेस हैं पराठों की, और फिलिंग एकदम दबा दबा के की हुई है। जैसे मैं पनीर का पराठा खोल के दिखाऊंगा, ये देखिए पनीर की फिलिंग हर उसमें मिलेगी, हर कण में जैसे कहेंगे। ये आलू प्याज का पराठा है, ये देखिए स्टफिंग में तो कोई कमी है ही नहीं इनके। तो चलिए ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। तो मैं पहले सबसे पहले आलू का ही पराठा ट्राई करूंगा। रायता दिया है इन्होंने, गाढ़ा रायता है बिल्कुल।
भाई आलू प्याज, आलू में जो मसाले का बैलेंस है बहुत अच्छा है, प्याज एकदम सॉफ्ट है, दही रिफ्रेशिंग, आटे की लेयर बिल्कुल मोटी नहीं है, मेरे को बहुत सही लग रहे हैं पराठे। वाह भाई वाह, कैमरामैन आज तो भाई मजे आ जाएंगे, ऐसी जगह लाया हूँ मैं तेरे को भाई, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो है ना पराठों का कल्चर बहुत पहले से चलता आ रहा है ब्रेकफास्ट में, तो उसी का ये वो है कि मेरा हाथ भी नहीं रुक पा रहा और इतना टेस्टी है। अब ट्राई करते हैं पनीर का पराठा, और ये मेरा सबसे फेवरेट पराठा है, मेरे को पनीर सबसे फेवरेट चीज़ है, मेरी फेवरेट डिश है, और साथ में पनीर किसी भी चीज़ में डल जाए ना मैं तो फैन ऑलरेडी हो जाता हूँ उसका। तो लेट्स ट्राई पनीर का पराठा, इनके रायते में डिप किया, इन्होंने पनीर में वो गरम मसाला डाला, सारा फ्लेवर उसका आ गया, इतना बेहतरीन ऑन पॉइंट मसाले हैं, मसालों का एकदम सदा हुआ हाथ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जैसे मैं कहूँगा। ये देखिए इनका जो रायता है, देख सकते हैं आप लोग जो इनका रायता है, पानी जैसा पतला नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी जैसा पतला होता है, बूंदी वाला रायता, और साथ में ये बता रहे थे कि और हर दिन अलग अलग रायते मिलते हैं, किसी दिन मिक्स वेज मिलता है, किसी दिन लौकी का, किसी दिन किसी चीज़ का, तो भाई ये यूनिकनेस रोज करते रहते हैं। बाकी ये लास्ट बाइट आज की वीडियो की, और मैं तो ये कहूँगा जिसको सादा भोजन करना है वो इनके लिए ये चीज़ है, जिनको ब्रेकफास्ट करना है उनके लिए ये चीज़ है, और डिनर में थालियाँ हैं, थाली वैसे पूरे दिन भी मिलती है पर मैं प्रेफर करूँगा थाली डिनर में, और लंच में भी चल सकती है वो, पर भाई ये चीज़ तो मस्ट ट्राई है ये दोनों चीज़ें, ये आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर भी करें। मैंने पहली बार जोमेटो स्विगी से ही ऑर्डर किया था जब मैंने सबसे फर्स्ट टाइम खाया था, बहुत टाइम हो गया उस बात को, तभी से उसी टेस्ट से मैं आज यहाँ आया था और वही टेस्ट बरकरार आ रहा है और बहुत टेस्टी है। बाकी बात में ये सब फिनिश करके मिलता हूँ, थोड़ा टाइम भी लगेगा ना, राइट हैंड इंजर्ड है आपको पता ही है। ओके तो भाई ये था हमारा रिव्यू गौरी कैफे रेस्टोरेंट का, इन्होंने इतने अच्छे पराठे खिलाए और साथ में लंच भी कराया, तो दोनों चीज़ हो गई। हाँ तो साथ में डिनर भी चलता है अंकल, डिनर भी चलता है। और अंकल वैसे एड्रेस कहाँ पड़ता है इसका? ये पड़ता है मंडी चौड़ी गली 21B नई मंडी मुजफ्फरनगर। अच्छा, नियर चौड़ी गली, चौड़ी गली में नियर मंडी, मंडी में नियर सेंट्रल बैंक, नियर सेंट्रल बैंक के जस्ट बराबर में है। और सब लोग आए, टाइमिंग तो बताई दी है, सुबह 9 से रात के 10 तक, बीच में ऑफ भी रहता है ना शायद, 2 घंटे ऑफ रहता है, 4 to 6 ऑफ रहता है, उस टाइम मत आना। तो बाकी टाइम आप आए और ट्राई करें, और ऐसी हमारी वीडियोस लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल व्हाट एम आई डूइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।